नमस्कार, स्वागत है आपका। आप लोगों को पता है कि चेन्नई की टीम को अब अपना आखिरी मुकाबला पंजाब के अगेंस्ट खेलना है। ऐसे में सवाल यही उठ कर आ रहे हैं कि चेन्नई की टीम इस आखिरी मुकाबले में क्या कुछ बदलाव कर सकती है, क्या बदलाव होंगे या नहीं, क्या महेंद्र सिंह धोनी उसी टीम के साथ वापसी करेंगे जिस टीम के साथ पिछले मुकाबले वो जीत रहे हैं, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ उनके एक ओपनर्स के तौर पर हैं, या फिर फाफ और वॉटसन के नाम ही जो है वो सलामी जोड़ी रहेगी। उसके बाद नंबर तीन पर अब देखते हैं रायडू आते हैं, फिर चार पर धोनी मैक्सिमम टाइम्स आए हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है या फिर एक बार चीज़ें बदलेंगी? क्या मिडल ऑर्डर में फिर जगदीशन को जगह मिलेगी या फिर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पुराने ढर्रे पर ही लौट आएंगे जिसके तहत उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आईपीएल, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द आईपीएल खेला है। अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो यही है कि जो ये पिछले मुकाबलों की जीती हुई टीम है इसी के साथ धोनी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, चाहे अब आखिरी मुकाबला ही क्यों ना है। वो चाह रहे हैं कि नए लड़कों को, युवाओं को मौका दिया जाए और उन लड़कों को खास तौर पर मौका दिया जाए जिनको अभी तक जांचा परखा नहीं गया था, उन लड़कों पर इन्वेस्ट किया जाए, उनको टीम में उतारा जाए और फिर देखा जाए कि इन खिलाड़ियों में कितना पोटेंशियल है और क्या ये खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस को कन्वर्ट करके दे सकते हैं या नहीं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको धोनी ने अब तक देखा नहीं है, जैसे पिछली बार आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने कहा कि कोविड की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा नहीं देखी थी और वो कम बोलते हैं, इस वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस समय खेल रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड से इस वक्त पे खेल रहे हैं। तो वो चीज़ एक बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस चीज़ थी जो सामने निकल कर आई। और फिर ऋतुराज गायकवाड़ की आपको पता है कि पहले तीन स्कोर भी दो डक थे उसमें और एक पाँच रन थे, उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दो हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें धोनी को अब पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे खिलाड़ी होंगे इनमें इस टीम में जो डगआउट पर बैठे हुए हैं जिनके बारे में धोनी बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। और अब जब जैसे गायकवाड़ के बारे में जाना है, वैसे जैसे जगदीशन के बारे में जाना है, 2018 से वो खिलाड़ी बैठा हुआ था बेंच में और अब उसे पहली बार इस सीज़न में पहली बार मौका मिला है। तो ऐसे कई और खिलाड़ी होंगे जिनको लेकर के इन्वेस्ट करना चाहते होंगे धोनी। हम लगातार के एम आसिफ और आर साई किशोर की बात भी करते रहते हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए और फिर पता चले शायद कि इस टीम में पोटेंशियल कितना है। तो लेट्स सी धोनी किस तरह के बदलावों के साथ सामने निकल कर आते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि हार और जीत के बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन अगर आपको इस दौरान कोई एक और अच्छा खिलाड़ी मिल गया तो फिर वो धोनी एंड कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।